तो लास्ट पीरियड में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़े थे, हम अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप मैंने आपको लास्ट पीरियड में आपको बताया था, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस बिकम्स, ग्लाइकोलाइसिस इन विच द ग्लूकोज बिकम्स पायरेवेट। ग्लूकोज से क्या बनता है? तो पायरेवेट बनता है। तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट से डिहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसराल डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, फिर उससे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर उससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर उससे 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और फिर बाद में फॉस्फोइनॉल पायरेवेट बनता है, और सबसे लास्ट में क्या बनता है? तो दैट इज द पायरेवेट। उस सबसे लास्ट में पायरेवेट बनता है। तो ऐसे ग्लूकोज से पायरेवेट बनता है, ये मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था। फिर उसके प्रोडक्ट क्या रहते हैं? तो ग्लूकोज टू पायरेविक एसिड तो प्रोडक्ट रहता ही है, मगर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते समय, ब्रेक करते समय इनिशियली 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए जाते हैं। देखो इधर 1 ATP है और एक इधर 1 ATP है, ऐसे 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए, यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, और 4 ATP के, हाँ वही रिपीट कर रहा हूं मैं, और 4 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं। इधर 2 ATP प्रोड्यूस किए जाते हैं और इधर 2 ATP प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो 4 ATP प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसका मीनिंग है कि 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 यूटिलाइज होते हैं। तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो रहते हैं सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल, 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के रहते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स। दूसरा नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इधर 2 NADH2 प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि यहां से दो दो मॉलिक्यूल में प्रोसेस होती है, तो यहाँ 2 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड द नंबर ऑफ NADH2 मॉलिक्यूल, कितने NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं उसका नंबर आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखेंगे? तो NADH2 आगे जाके जब एक मैंने स्टेप बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन की, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो प्रोसेस को या स्टेप को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे बोला जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जब ये NADH2 एंटर हो जाता है या NADH एंटर हो जाता है, तो एट दैट स्टेप स्टेप 1 NADH2 कैन यील्ड 3 ATP मॉलिक्यूल्स, नॉट 2, 3 ATP मॉलिक्यूल। एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसे यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये स्टेप के अंदर 2 NADH प्रोड्यूस हो गए हैं, 2 NADH प्रोड्यूस हो गए हैं। इसका मतलब ये है या उसका मीनिंग ये है कि यहां पर 2 × 3 अगर ऐसे हम कंसिडर करेंगे तो 6 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH2 के 6 ATP मॉलिक्यूल, और यहां पर नेट गेन जो ATP मॉलिक्यूल 2 प्रोड्यूस हो गए हैं, ये 6 + 2 ऐसे 8 ATP मॉलिक्यूल क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं। कौन से प्रोसेस के अंदर? तो दैट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कैसे स्टेप्स हो जाते हैं या कैसे रिएक्शंस हो जाते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये और ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में दूसरा एक स्टेप मैंने बताया था कि दिस इज द कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक के लिए भी कॉमन स्टेप है और एन एरोबिक के लिए भी कॉमन स्टेप है, इसलिए ये दोनों रेस्पिरेशन के अंदर कॉमनली की जाने वाली प्रोसेस है। तो आप एनारोबिक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ग्लूकोज, अब जिसके अंदर ग्लूकोज टू पायरेवेट, क्योंकि असल में ये जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस जो है, दैट इज वन ऑफ द एन एरोबिक प्रोसेस। ये एक एन एरोबिक प्रोसेस है, इसके अंदर देखो यहां से यहां तक कहां पर भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है, देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन यूज होता ही नहीं है, इसलिए ये ग्लूकोज टू पाइरूवेट जो प्रोसेस हो जाती है दैट इज ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन की ही प्रोसेस रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है ग्लाइकोलाइसिस इज नथिंग बट द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के लिए ये कॉमन पाथवे रहती है। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड द टाइप ऑफ एंजाइम्स, देखो ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनते समय द नेम ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेज, वो एंजाइम को हेक्सोकाइनेज या फॉस्फोरिलेज बोला जाता है। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनते समय द नेम ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनते समय फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज बन जाता है। फिर फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज वन सिक्स बायफॉस्फेट बनते समय द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जब फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है और उससे डीहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं तो एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज अल्डोलेज, वो एंजाइम को अल्डोलेज बोला जाता है। फिर डीहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट का जब आइसोमराइजेशन हो जाता है तो उसमें जो एंजाइम आता है द नेम ऑफ दैट एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज आइसोमरेज, वो एंजाइम का नाम आइसोमरेज है। फिर ग्लिसरालडिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है तब उसमें एंजाइम रहता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रायोज डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम रहता है। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो एंजाइम इज दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, वहां पर जो एंजाइम रहता है वो एंजाइम को फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज ऐसे बोला जाता है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है द नेम ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, वो एंजाइम को फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज ऐसे बोला जाता है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनाल पाइरूवेट बाय द रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ एंजाइम रहता है दैट इज कॉल्ड एज इनोलेज। एंड फिर फॉस्फोइनाल पाइरूवेट टू पाइरूवेट बनता है तो वहां पर एंजाइम रहता है पाइरूवेट बनता है तो एंजाइम इज दैट इज कॉल्ड एज पाइरूवेट काइनेज, वहाँ पाइरूवेट काइनेज नाम का एंजाइम रहता है। तो ये तो एंजाइम के नाम तो आपको ध्यान में रखना ही है मगर होल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एडीपी बिकम्स तो नेटवर्क है सब वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? नहीं अब ओके हो गई सर। हाँ ठीक है तो देखो एडीपी से एटीपी बनता है, एडीपी से एटीपी बनता है, ये स्टेप के अंदर 2 एटीपी बनते हैं ध्यान में रखना है और ये स्टेप के अंदर भी 2 एटीपी बनते हैं तो 2+2 4 एटीपी बनते हैं और इनिशियल स्टेज के अंदर देखो एटीपी बिकम्स एडीपी, एटीपी बिकम्स एडीपी तो 2-2 एटीपी वहां पर यूज, 2 एडीपी एटीपी यूज होते हैं तो 4 में से अगर 2 चले गए तो रहते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल। और मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जो यहाँ पर एनएडीएच बना है इस यहाँ पर असल में 2 एनएडीएच बने हुए हैं तो 1 एनएडीएच जब ईटीएस में जाता है तो उसके 3 एटीपी बनते हैं तो यहाँ पर 2 एनएडीएच है तो उसके 6 एटीपी बनते हैं तो यहाँ के 6 एटीपी और यहाँ के 2 एटीपी ऐसे मिला के 8 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन 8 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। एंड व्हाट इज द साइट फॉर दिस ग्लाइकोलाइसिस, कौन से
सेल के कौन से पार्ट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है। ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हो गया। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस व्हाट विल बी हैपन इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या स्टेप आती है? तो देखो, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस द नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसको ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट बोलते हैं या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे बोला जाता है। अब देखो, डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग है, डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग है दैट इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को रिमूव करने की जो प्रोसेस रहती है, ये प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस ऐसे बोला जाता है। The loss or removal of carbon dioxide that is called as decarboxylation. उसको decarboxylation ऐसे बोला जाता है। And next जो step रहती है या जो process रहती है that is the oxidation of pyruvate. अब pyruvate का oxidation, oxidation बोले तो loss of hydrogen, ये pyruvate के hydrogen loss हो जाते हैं। तो देखो, ये स्टेप के अंदर क्या हो जाता है, दिस पाइरूवेट अंडरगो डीहाइड्रोजिनेशन एज वेल, पाइरूवेट के अंदर डीहाइड्रोजिनेशन की भी प्रोसेस हो जाती है और डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग फॉर डीहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन? Dehydrogenation is nothing but the removal of hydrogen. Hydrogen को remove करने की process रहती है, ये process को dehydrogenation ऐसे बोला जाता है। Meaning for decarboxylation that is nothing but the removal of carbon dioxide. तो देखो क्या होता है, first of all due to the process. Process repeat कीजिए sir. Voice break हुई. सर वॉइस ब्रेक हुई थी फिर से, एक मिनट। अभी आ रही सर आवाज? सर तो देखो, ये पाइरूविक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ये प्रोसेस रिपीट करना है ना? हाँ सर, प्रोसेस में ब्रेक हो गई थी वॉइस। तो देखो, ये पाइरूवेट जो है ना, दैट पाइरूवेट इज कंटेनिंग कार्बन एटम कंपाउंड। ये पाइरूवेट के अंदर तीन कार्बन एटम्स रहते हैं। पाइरूवेट है, दिस पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेशन, पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मीनिंग फॉर डीकार्बोक्सिलेशन दैट इज नथिंग बट द रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को रिमूव किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस? दैट इज कॉल्ड एज पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम रहता है। तो व्हाट हैपेंड ड्यू टू द वॉइस, अभी भी ब्रेक हो रही है सर? हाँ सर, आपने बीच में प्रोसेस बता रहे थे उस टाइम पे फिर ब्रेक हुई थी। पाइरूवेट के बारे में सर आपने जो ब्रेक, अभी फिर से ब्रेक हुई सर। ठीक है, फिर एक बार बताता हूँ फिर। ये देखो, ये पाइरूवेट जो है ना, पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
पाइरेविट के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन, उसको डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे बोलते हैं। दो दैट पाइरेविट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, उससे एसिटिल ग्रुप फॉर्म हो जाता है। अब ये जो देखो एसिटिल ग्रुप है ना, दैट इज टू कार्बन कंटेनिंग, जिसके अंदर दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स रहते हैं। तो पाइरेवेट अंडर सिर्फ नहीं जाता, तो इन दिस प्रोसेस देयर इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन सर? एसिटिल एक वो पूरा सर पैरा, सर एसिटिल ग्रुप पूरा पैरा मेरे को है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी आ रहे हैं। देखो ये पाइरेवेट जो रहता है ना, पाइरेवेट का डीकार्बोक्सिलेशन तो हो गया, मगर डिहाइड्रोजिनेशन भी हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या है? तो दैट इज नथिंग बट द लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम पाइरेवेट। ये पाइरेवेट से हाइड्रोजन लॉस हो जाते हैं। तो पाइरेवेट से हाइड्रोजन लॉस होने की वजह से क्या होता है, दैट हाइड्रोजन गेट अवेलेबल टू द एनएडी, हाइड्रोजन एनएडी को अवेलेबल हो जाते हैं, एंड दैट एनएडी बिकम्स NADH2। यहाँ पर NADH2 बनता है। तो देखो असल में क्या हो जाता है, अभी आ रहे ना श्रावण? यस सर। हाँ, तो देखो ये जो पाइरेवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज हो गया था तब उसके दो पाइरेवेट बन गए, एक पाइरेवेट नहीं बनता, दो पाइरेवेट बन जाते हैं। देर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरेवेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बिकम्स गेट कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरेवेट। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरेवेट के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ दो पाइरेवेट है, दो है, ऐसे कंसिडर करो कि दिस इज नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल, देर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरेवेट। तो यहाँ पर ट्वाइस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अगर ट्वाइस डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ट्वाइस डीहाइड्रोजिनेशन भी होगा, ट्वाइस डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो यहाँ पर 2NAD becomes 2NADH2। दो NAD के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो दो NADH2 के मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस पाइरेवेट बिकम्स एसिटिल ग्रुप, पाइरेवेट का कन्वर्जन एसिटिल ग्रुप में हो जाता है और दो NADH2 में फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो दो NADH2 रहते हैं इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि दो NADH2 का कन्वर्जन और 6 ATP मॉलिक्यूल के अंदर हो जाता है, क्योंकि ये NADH2 आपको ध्यान में रखना है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर दो NADH2 फॉर्म हो गए थे, पाइरेवेट का डिहाइड्रोजिनेशन होने के वजह से दो NADH2 फॉर्म हो गए हैं। अब ये दो NADH2 का क्या हो जाता है, तो दिस 2NADH2 बिकम्स, ये दो NADH2 जब ग्लाइकोलाइसिस के, ये दो NADH2 जब ETS में चले जाते हैं तो these 2NADH2 becomes 6 ATP molecules, क्योंकि एक NADH का 3 ATP molecule बनता है, तो दो NADH2 के 6 ATP molecules बनेंगे, and that pyruvate to acetyl coenzyme A, NAD becomes NADH2, and at NADH2 का N2-3 करने से दो NADH2 के 6 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ऐसे देखो ये पाइरेविक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन, गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल ग्रुप, वो एसिटिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब एसिटिल एक्शन ऑफ वन कोएंजाइम ए,
एक कोएंजाइम ए नाम का कंपाउंड वहां पर ऐड किया जाता है एंड बाय द एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए. तो एसिटिल ग्रुप का कन्वर्जन किस में हो जाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर हो जाता है. बट यू हैव टू कीप इन माइंड यहाँ पर दो पायरेवेट थे तो यहाँ पर दो एसिटिल कोएंजाइम ए बनेंगे, यहाँ से दो CO2 रिमूव होंगे, यहाँ दो NADH2 बनेंगे. तो ऐसे ये पायरेवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ये जो प्रोसेस रहती है उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरेवेट और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन. उसको ही ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस बोला जाता है. ठीक है, अब एसिटिल कोएंजाइम के आगे जो नेक्स्ट स्टेप हो जाती है या जो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाती है, द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ क्रेब्स साइकिल. उसको क्रेब्स साइकिल ऐसे बोला जाता है. तो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हाउ देयर इज द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. प्लांट के रेस्पिरेशन के अंदर कैसे होते हैं. एक्चुअली दिस रेस्पिरेशन इज कॉमन टू बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल. ये प्लांट को भी कॉमन रहता है और एनिमल को भी कॉमन रहता है. तो वहां पर क्रेब्स साइकिल कैसे होते हैं हम स्टडी करेंगे. तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरेवेट. Now listen, this is the Krebs cycle. ये देखो ये Krebs cycle है. अब उसको Krebs cycle क्यों बोला जाता है? Why it is called as Krebs cycle? क्योंकि the name of scientist Hans Krebs. Hans Krebs नाम का scientist था who first of all proposed to this cycle. ये cycle के जो details है वो Hans Krebs नाम के scientist ने propose किया, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? That is called as Krebs cycle. उसको Krebs cycle ऐसे बोला जाता है. उस साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से Krebs cycle ऐसे बोला गया है. Hans Krebs नाम के साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज किया है. नेक्स्ट नेम दिस साइकिल इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल. यही साइकिल को या यही प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल. ऐसे देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल? बिकॉज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल. ये देखो ये साइकिल का ये पहला स्टेबल कंपाउंड है या पहला ही कंपाउंड है या पहला प्रोडक्ट है, इसीलिए ये साइकिल को क्या बोला जाता है? दिस साइकिल इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल. इसीलिए ये साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल ऐसे बोला जाता है. तो सिट्रिक एसिड साइकिल उसका दूसरा नाम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. यही साइकिल का या यही पाथवे का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक. उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल. कहा गया तो उसके अंदर तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऐसे बोलते हैं. तो सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसीलिए उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये अलग अलग नाम से ये प्रोसेस पहचानी जाती है. अब सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, असल में क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड, देखो हम ग्लाइकोलाइसिस से प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस पायरेवेट बन गए उसको ग्लाइकोलाइसिस बोला गया. ग्लूकोज से पायरेवेट बन गए थे, फिर बाद में पायरेवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया. अब ये जो प्रोसेस हो जाती है वो साइटोप्लाज्म में नहीं हो जाती है,
पाइरावेट टू एसिटिल कोएंजाइम ये जो प्रोसेस हो जाती है दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स रहता है मैट्रिक्स के अंदर वो प्रोसेस की जाती है और वहां पर क्या किया जाता है इन दैट प्रोसेस द पाइरावेट बिकम्स एसिटिल कोएंजाइम ए। अब यही मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही एसिटाइल कोएंजाइम ए, देखो इधर है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए से आगे जो प्रोसेस शुरू हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। उसको सिट्रिक एसिड साइकिल या उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सिट्रिक एसिड ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए से कौन सी पाथवे बनेगी तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल कैसे प्रोसेस हो जाते हैं देखो, दिस इज द एसिटिल को अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए दैट इज द टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये टू कार्बन और ये एसिटिल कोएंजाइम ए सब और रिएक्ट हो जाता है एक। हेलो सर, फिर से ब्रेक हो रही है। हाँ सर ब्रेक हो रही है। अरे फिर क्या करने का, कल सुबह ही कंटिन्यू करेंगे क्या?